तो ये गुलाम भाई के मन में क्या ख्याल आया कि ये फॉर्मूला बना दिए? तो ये एक टॉर्सन बैलेंस यहाँ पे लिया इन्होंने, और इस पे दो स्फीयर, स्मॉल स्फीयर लगा दिया और इसके ऊपर दे दिया चार्ज, और वो ये बाजू में अलग अलग चार्ज लेकर आए, कभी 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, कभी कभी दूरी इन दोनों के बीच चेंज किए, कभी क्लोज लाए, कभी दूर ले गए, पास दूर ऐसे किए। तो कुल मिला के ये कुलम भाई साहब ने क्या किया, इस स्प्रिंग बैलेंस को रखा यहाँ और एक चार्ज को लाकर यहाँ इसके पास दूर लाए, फिर अमाउंट चेंज किए चार्ज का, कम या ज़्यादा किए, और ऑब्ज़र्व किए कि आखिर इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है। अब इसको चार्ज को लाने से रिपेल करेगा तो ये ट्विस्ट ऐसे प्रोवाइड करेगा, इसमें से टर्न करेगा ये, और ये जिस कंटेनर में रखा हुआ है उस कंटेनर में स्केलिंग किया हुआ है ऐसे ऐसे कि ये कितना सेंटीमीटर ऐसे ऐसे घूमा यहाँ से, उससे ये अंदाज़ा लगाए कि ये जो फोर्स लग रहा था दो चार्ज पार्टिकल के बीच, वो दोनों के चार्ज के प्रोपोर्शनल था। अगर हम इस चार्ज को डबल कर दिए तो फोर्स भी दोगुना लग जा रहा था। फिर ये ऑब्जर्व किए कि दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, अगर इन दोनों के बीच ज़्यादा डिस्टेंस कर दें तो ये फोर्स कमज़ोर हो जा रहा था, पहले से कम फोर्स लग रहा था। और ये तीसरा जिस जो कि नहीं दिया हुआ है बुक में, वो तीसरा वाला ये है कि इस चार्ज का इफेक्ट, ये चार्ज में जितना भी पावर होगा अपना फील्ड, वो इधर भी बनाया होगा, इधर भी उधर भी जनरेट किया होगा, तो इसका इफेक्ट उसके तरफ कितना गया होगा। तो ये सॉलिड एंगल यहाँ पे 4π एंगल बनाता है, राइट, क्योंकि थ्री डायमेंशन में भेज रहा है ऐसे, नीचे भी उधर भी इधर भी ऐसे, तो इसका उस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट जा रहा है, तो पर यूनिट सॉलिड एंगल लिखेंगे। तो इसका पूरा इफेक्ट 4π इफेक्ट के चलते, अगर यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो वन सॉलिड एंगल बनाने में E/4π होगा, यानी कि 4π/2 आ जा रहा है, तो 4π के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये लगने वाला फोर्स, 4π के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये सॉलिड एंगल वाले कॉन्सेप्ट से आया है 4π। फिर इन तीनों को कंबाइन किए ये, तो फोर्स का वैल्यू हो गया 1/4π Q1 Q2 और ये R2, इतना हो गया। अब ये भाई साहब यहाँ कहाँ से आ गए, एप्साइलन नॉट। अब इन दोनों के बीच मीडियम पे भी डिपेंड करेगा कि आप इसके बीच में फ्री स्पेस रखे हैं, वैक्यूम रखे हैं, कि पानी इसमें रखा हुआ है, कि लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, या दही रखा हुआ है यहाँ इन दोनों के बीच में, कौन सा मटेरियल रखा हुआ है उस पर भी तो डिपेंड करेगा। जैसे दो मैग्नेट है और खाली जगह है हवा में, तो ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा साउथ नॉर्थ पोल, अगर एक मैग्नेट का साउथ एक दूसरे का और दूसरे का नॉर्थ है तो। लेकिन बीच में अगर कागज़ का टुकड़ा रख देंगे या अपना नोटबुक रख देंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा उन दोनों के बीच, राइट। वैसे ही ये मीडियम क्या है इन दोनों के बीच, उस पर डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्साइलन यहाँ पे दिया गया। अब एप्साइलन नॉट को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ये है, राइट। ये सब समझ गया, ये सॉलिड एंगल तो पहले ही मैंने समझा रखा है ये क्या है। तो इस तरह से कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया, F=1/4π εQ1Q2R2। अगर ये फ्री स्पेस है, इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, हवा है या वैक्यूम की क्रिएट किए हुए हैं किसी ने, तो उसके जगह पर ये एप्साइलन के जगह पर एप्साइलन नॉट, यानी यहाँ 0-1 लग जाता है, तो एप्साइलन के जगह पर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एप्साइलन नॉट। तो वो फ्री स्पेस में दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा।